नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मालूम था सबको एक दिन बेवफा यार बदलेंगे, नाटक वही रहेगा सिर्फ किरदार बदलेंगे, और तुम सीएम बदलते रहना हम पूरी सरकार बदलेंगे। इस शेर के साथ विधानसभा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा जज्बा पर टिप्पणी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नए मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है, इसलिए उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा को हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करवाकर विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हटाकर भाजपा ने अपनी हार मान ली है। भाजपा ने खुद माना है कि 9.5 साल से हरियाणा में ऐसी सरकार चल रही थी जिसके पास चुनाव में बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, इसीलिए अब पार्टी को सरकार का स्वरूप बदलने और गठबंधन तोड़ने का प्रपंच रचना पड़ा, जबकि सच्चाई गठबंधन टूटने के अगले ही दिन जनता के सामने आ गई, क्योंकि यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने अपने विधायकों को सदन में गैर हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी किया हो। जजपा ने ऐसा व्हिप जारी करके सीधे तौर पर भाजपा सरकार के विश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है। क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आप खुद ही सुन लीजिए। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मालूम था सबको एक दिन बेवफा यार बदलेंगे, नाटक वही रहेगा सिर्फ किरदार बदलेंगे। तुम सीएम बदलते रहना हम एक दिन पूरी सरकार बदलेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूँ। ये लोग समझते हैं, लोग बदलेंगे इसको। अध्यक्ष जी निधि भगत देखो ना, ये विप देना कि आप गैर हाजिर हो जाओ, क्या मतलब इसका, क्या मतलब है इसका? अरे तुम कल तुम्हारे को निकाला तो आके बैठो यार, वोट दो खिलाफ वहां नहीं, क्योंकि मिली भगत है ना, वोट खिलाफ देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि 4.5 साल में जो उन्होंने किया है मिलके हरियाणा को बर्बाद किया, सबको मालूम है, हरियाणा की जनता जानती है। अब हरियाणा की जनता इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है, साफ फैसला कर चुकी 36 बरादरी, चेहरे बदलने से नहीं होता है, 36 बरादरी फैसला कर चुकी, आने वाले लोग जो फैसला करेंगे कांग्रेस की सरकार बनाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।